और दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया से हो गए। आज जा रहे हैं अपनी गुलदाउदी और टमाटर के प्लांट्स के लिए स्टिक खरीदने के लिए लकड़ी की, क्योंकि जनरली हमारे घर के आसपास मिलता नहीं है। वैसे तो प्लांट्स बहुत है, उनकी भी लगा सकते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम आती है, कुछ दिन बाद सूख जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं। तो मॉर्निंग वॉक कर ली है इस समय, और इस समय अब जा रहे हैं लेने के लिए। यहाँ पर ये स्टिक्स तो रखी हुई हैं, लेकिन हमको जो है थोड़ी लंबी स्टिक्स चाहिए। ये जो है 2.5 फिट की हैं, हमको जो है 3.5 फिट की चाहिए, क्योंकि 1 फिट तो मेरा ग्रो बैग में चला जाएगा और टमाटर के प्लांट्स बहुत लंबे हो जाते हैं, दिक्कत करते हैं बाद में। तो ये है कि इनसे कह रहे हैं, ये निकाल दे रहे हैं यहाँ पर। तब तक हमने सोचा कि आसपास ज़रा दौड़ाया जाए निगाह कि यहाँ पर क्या क्या कौन कर रहा है। इन लोग की लाइफ दोस्तों देखते हैं तो ऐसा लगता है हम लोग तो बहुत सुख सुविधाओं में पले हुए हैं, और तब भी देखिए छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाते हैं, टेंशन मोल लेते हैं। इनके पास क्या है? लेकिन सबसे बड़ी बात है ये सुकून है। आज कमा रहे हैं, मतलब डेली कमा रहे हैं, डेली उसी हिसाब से जी रहे हैं, कोई सेविंग नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी निश्चिंत होकर के रह रहे हैं। तो कहते हैं ना, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है आपको, बस आपको ये है कि उन चीज़ों को फॉलो करना है और अपने आप को ही खुश रखना है। वहाँ पर जो है हस्बैंड खड़े हुए हैं, बार बार आवाज़ दे रहे हैं कि चलिए आओ, बहुत तेज़ धूप हो रही है। और सही में दोस्तों आज बहुत तेज़ धूप निकली है, सुबह के देखिए 7 बजे हैं तब धूप का नज़ारा। और ये देखिए कितना बढ़िया सोफ़ा लग रहा है, बट चेयर बनी हुई है। घर आकर के नाश्ता पानी करा, दूध वगैरह उबाला, और नाश्ता पानी करने के बाद जो है पहले तो बर्तन धो दें। इस बॉटल को जो है मैगी वाली बॉटल को धो के रखा है, इसमें कुछ DIY बना करेंगे हम बाद में, अभी साफ़ करके रख लिया है। तो फटाफट बर्तन धो लेते हैं। अपने घर को जो है महंगे महंगे आइटम खरीद करके सजा लेना देखिए बहुत आसान होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जो चीज घर में आपके फालतू पड़ी है, जो ना फेंकने लायक है ना यूज करने लायक है, तब आप उसको क्या करोगे? कोई दो तो उसकी भी वैल्यू नहीं है, आजकल कोई लेता वेता नहीं है। इवन मैंने कई बार देखा है कि घर के जो पुराने कपड़े भी होते हैं, आप इस किसी को दो तो कोई बहुत उससे नहीं लेगा, बस वो ऐसे लेगा जैसे आपका कोई बोझा है। इतने ही हम लोग करते हैं कि सारा कपड़ा कोई सामान लेकर के गंगा जी के पास जाके, वहां पर काफी सारे लोग रहते हैं, वहां जाके दे आते हैं तभी यूज होता है। तो मैं तो यही करती हूँ कि घर में जो भी मटेरियल उपलब्ध है, जब तक उसको यूज कर सकते हैं तब तक उसको करें, नहीं तो फिर भैया हाथ जोड़ लेते हैं। उस कुछ आइटम है जो कि मेरे घर में काफी दिन से रखा हुआ था, तो उसको धीरे धीरे हम यूज करते हैं, कभी कुछ करके कभी कुछ के। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से मैंने पुरानी चीजों को मिला करके उसको डेकोरेट किया है। तो वो डेकोरेशन दोस्तों मेरा इस ट्रॉली के ऊपर था, इस ट्रॉली में भी डस्टिंग वगैरह करी है हमने। तो यहाँ पर जो है ग्लास की ये ट्रे रख दे रहे हैं, ये एक्चुअली 15 इयर्स पुरानी है, पूरा डिनर सेट टूट गया है, एक ट्रे बाकी है। वैसे तो उसको उर्ली के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो केवल हमारे यहाँ दिवाली के समय यूज़ होती है, फिर नहीं होती है। तो अभी साल भर में ऐसे यूज़ करती हूँ। ये बुक्स जो हैं, मैं कहती हूँ किसी भी बच्चे को पढ़नी हो तो वो हमसे ले जाए, लेकिन आजकल कोई बच्चा नहीं लेता, सबको मोबाइल्स के आगे फुर्सत ही नहीं है। और एग्लोनीमा की नीचे की पत्ती जो है ख़राब हो रही है, ये पानी में ग्रो हो रहा है। ये जो है ये वाला जो है ये सब मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, आपके संग शेयर भी करा था, ये मुझे बड़े अच्छे दिख गए थे तो मैंने ले लिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हूँ, थोड़ी बहुत करती हूँ। ये पानी का जग यहीं रहता है, किसी को भी अचानक प्यास लगे तो पानी लेके पी ले। तो यहाँ पर मेरे ऐसा सामान रखा है जो छोटा छोटा सामान जिसकी अक्सर ज़रूरत पड़ती है, जैसे पेन पेंसिल है, कोई रेंडमली किसी ने मांगा तो यहीं से निकाल के दे दिया। अब टीवी भी इसी कमरे में, तो रिमोट भी यहीं रहेगा, और रबर वगैरह भी इस बॉक्स के अंदर रहती है। मेरा चश्मा है, फ़ोन है, ट्राईपॉड छोटे वाले ऐसे ही रखे रहते हैं मेरे साथ में। दोस्तों यहाँ पर जो था, मैंने एक बार बहुत पहले फेरी गार्डन के लिए ये लाफिंग बुद्धा लिए थे, बड़े अच्छे लग रहे थे हमको, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं है और बहुत छोटे हैं, तो कहीं भी डेकोरेट करो तो वो दिखते नहीं हैं और धूल मिट्टी और जम जाती है। ये गणेश जी भी जो मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, बहुत छोटे साइज़ के आ गए हैं, तो समझ में नहीं आता क्या करें।
देखिए ये कांच के ग्लास भी हैं जो कि किसी ने गिफ्ट में दिया था, लेकिन इसका कांच बहुत ख़राब है तो ये टूट जाते हैं तुरंत, रखे ही रखे दो ग्लास एक ग्लास टूट गया है इसका। तो इन दोनों को मिला करके मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिया। अब देखिए लाफिंग बुद्धा में भी एक वो बन गया, उनकी भी जगह मतलब एक सेट सी हो गई, धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी। उस ग्लास को एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ करा है। यहाँ पर भी बुक्स रखी जो मेरा बेटा अक्सर ऑनलाइन मंगा लेता है पढ़ने के लिए, और बगल में मेरी सास का पानदान रखा है स्टील का, अब नहीं रही पहले का था, तो अब तो मैं ऐसी बस एज अ शो पीस उसको यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए जब तक वो यूज़ कर सके, और बुक्स वगैरह भी है, हम कबाड़ी में देने का मेरा मन नहीं करता है, और किसी कोई बच्चा ही आजकल इंटरेस्ट नहीं लेता है इतनी मोटी बुक्स पढ़ने का। हम और हमारे बच्चे पढ़ते थे तब से वो ऐसे ही रखी हैं। साथ में मुझे ये वाला गिफ्ट मिला था एक प्रोग्राम में, स्वयं सिद्धा प्रोग्राम में वीडियोस बनाने का, तो उसको भी मैं यहीं पर अभी फ़िलहाल लगा देती हूँ। तो ये देखिए रैंडमली टोटल घर में जो भी सामान इधर उधर पड़ा रहता है उसी से डेकोरेट किया है हमने। बस अब है तो ज़रूरत ही का सामान, कोई भी वेस्टेज सामान नहीं है इसमें। दोस्तों इस समय जो है सफाई वाला सारा काम मेरा हो गया है, अब मैं जा रही हूँ नहाने धोने। नहाने धोने के बाद जो है वीडियो एडिट करेंगे, तब आपसे कोई मुलाकात नहीं करेंगे। फिर देखते हैं, आपसे दोपहर में मिलते हैं कि टेरेस गार्डनिंग में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। वीडियो जो है ऑलमोस्ट एडिट हो गया है, अब अपलोडिंग के लिए उसको मैंने शाम लगा रखा है, शेड्यूल कर दिया है। बाहर जो है बहुत तेज हवाएं चल रही हैं इस समय दोस्तों, बजे हुए हैं दिन के 2। शाम को जब टेरेस में आए तो हवाओं ने कुछ प्लांट्स को गिरा रखा था। ये तो मेरा डेली रूटीन हो गया है दोस्तों इस समय का, तो इन प्लांट्स को उठा लेते हैं। और ये जो है प्लांट तो गिर गिर के ही बड़े हो रहे हैं मेरे। अब हम जैसे अनाड़ी आदमी ये सब चीज़ें फिक्स करेंगे, इंजीनियरिंग का काम करेंगे तो क्या होगा। एक्चुअली दोस्तों जितनी हिम्मत होती है उतना काम करते रहते हैं। हाँ कोई कभी कभी होता है कि बहुत अच्छे से फिक्स नहीं करते हैं तो टेम्परेरी काम हो जाता है कई बार मेरा। साथ में अपने गार्डनिंग के चैनल की वीडियो की शूटिंग भी करनी है हमको, कि लेयरिंग से मैंने कैसे ग्रो करे हैं। वीडियो अब अपलोड हो गया होगा, आपको देखना है तो मेरे गार्डनिंग के चैनल पर इसको देख सकते हैं एयर लेयरिंग से ग्रो करने का। शूटिंग के बाद चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो दोस्तों बड़ा ही सुकून फील हुआ, अच्छा लगा, दिन भर की थकान उतर जाती है इनको देख करके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई सजेशन हो तो वो भी देना। आपके सजेशंस ही हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करते हैं डे बाय डे। तो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ जाए ना तो लाइक करें बना बिल्कुल मत जाइएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।